सर सवाल पढ़ लेते हैं और प्रॉपर पढ़ेंगे और आराम से करते हैं। हमें एक बैलेंस शीट गिवन है सर, और गिवन किसका है सर? आर्या लिमिटेड एक कंपनी है। नीचे कहता है अ न्यू कंपनी आर्या लिमिटेड इज फॉर्म। नहीं, वहां देखो नेम ARYA है, यहां पे अनार्या लिमिटेड एक नई कंपनी बन चुकी है। ठीक है, दोनों कंपनी में डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है। इस फॉर्म, और जब वो बना तो विद फॉर्म विद, जब कभी भी बोले ना कि ये कंपनी इतने कैपिटल के साथ बना है, ये कंपनी इतने कैपिटल के साथ ऐसा हुआ है, तो ऑलवेज वो पता है क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। तो ये जो सवाल में आपको गिवन है सर, वो ऑथराइज कैपिटल है जिसका कोई लेना देना होता नहीं है जनरली ज्यादा। एज ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइड इंटू 45,000 इक्विटी, ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया 45,000 इक्विटी, यानी 10 रुपए का एक है। द कंपनी विल एक्वायर आर्या लिमिटेड फॉलोइंग कंडीशन। कंपनी ने बोला भैया हम तुम्हारी कंपनी को लेंगे, कुछ कंडीशन है। नंबर ए कहता है कि ओल्ड कंपनी के डिबेंचर विल बी पेड सिमिलर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी फॉर एरियर ऑफ इंटरेस्ट। उसके अंदर कोई एरियर ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके बदले हम शेयर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट एरियर दिख रहा होगा आपको, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, शेयर दे देंगे। इसके बदले क्या करेंगे, हम शेयर दे देंगे। आगे देखें, कहता है क्रेडिटर को फुल पेड कर देंगे कैश में। तो एक नई सवाल यहां पे आई है कि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड 10 रुपीज ईच न्यू कंपनी में फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम इन ओल्ड कंपनी। दे नॉट नॉट आपका प्रेस फॉर देयर डिविडेंड, मतलब नॉट पेड होना चाहिए, नॉट पेड देयर डिविडेंड एरियर। ठीक है सर, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो जानकारी दिया जा रहा है ना, बोला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, तो सबसे पहला काम पीसी निकालना। मुझे एक बात का जवाब देना आप, परचेज कंसिडरेशन जब हम बायर की बुक बनाते हैं या जब हम सेलर की बुक बनाते हैं, कब निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन, या दोनों में निकालना जरूरी है? सर जवाब है कि दोनों में ही निकालना पड़ेगा, दोनों में निकालना पड़ेगा। चलिए, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कहना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे 10 रुपीज इक्विटी शेयर इन द न्यू कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड 10, कितने 10 रुपीज नहीं, पेड 10 इक्विटी शेयर इन द न्यू कंपनी फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम। कहता है भैया जितने भी शेयर्स हैं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर भाई साहब, हर शेयर के बदले तुम्हें 10 इक्विटी शेयर देंगे। अच्छा सर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बदले हम इक्विटी शेयर देने वाले हैं, इक्विटी शेयर, और बोल रहे हैं 10 देंगे। तो पहले कितने थे, 36,000, नहीं पहले कितने थे प्रेफरेंस शेयर, 7,500। पहले कितने थे, अब बोल रहा है हर के बदले 10, तो ये हो गए नंबर, और 1 10 का तो 7,500, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेम्यूनरेशन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अगली बात करें हम, कहता है कंटिन्यू में, बिल्कुल कहता है इक्विटी शेयर होल्डर विल बी गिवन 10 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड इन ओल्ड कंपनी। एक और इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। कहता है जितने भी तुम्हारे पास इक्विटी शेयर है ना 36, हर एक 3 के बदले आपको 10 दे दिए जाएंगे। तो भाई साहब ये तो हो गया नंबर, और इनटू अगर हम 10 कर दे तो हो गया टोटल, तो 12 12 लाख।
है ना। ठीक है, यहां पे मजे की बात है, एक्सपेंस 60,000 बॉन्ड बाय द न्यू कंपनी, यानी बायर कंपनी बॉन्ड कर रहा है और कुछ तो है नहीं। तो ये निकल के क्या आया सर, ये निकल के आया, और दैट इज पहले परचेज कंसिडरेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाने वाले हैं क्या डिमांड है। कहता है न्यू कंपनी जो है, मैं पढ़ देता हूं क्या डिमांड है। न्यू कंपनी विल टेक करंट एसेट्स ऑन द बुक वैल्यू एक्सेप्ट, कहता है कंपनी बुक वैल्यू पे ले लेगा, एक्सेप्ट स्टॉक विच विल बी रिड्यूस बाय 45 बाय स्टॉक, नहीं पसंद आ रहा इसको। रिमेनिंग इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी इशू टू द पब्लिक फुल्ली पेड अप, जो बच गए इक्विटी शेयर वो हम पब्लिक को दे देंगे, जो बच गए इक्विटी शेयर पब्लिक को दे देंगे। साहब बच कितने गए, हमारे पास थे 1,000,000 शेयर्स। अब इसमें से तो भाई प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया था मैंने, इसमें से मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को दे दिया, और इसमें से डिविडेंड वाले इंटरेस्ट वालों को भी देना है ना। इंटरेस्ट वालों को 1,35 मतलब 13,500 मैंने ये डायरेक्ट करा। इंटरेस्ट कैसे आया, ये 1,00,000 जो 35,000 है ना, इसको 10 रुपए के हिसाब से एक इक्विटी देंगे, दैट इज 13,500। तो देखा जाए तो हम कितने इक्विटी कैपिटल को क्या कर चुके हैं, 4,50 माइनस 75,000 माइनस 2। अब लाइन पढ़ लो दोबारा, कहता है न्यू कंपनी का ठीक है रिड्यूस। रिमेनिंग इक्विटी शेयर इज द न्यू कंपनी, जो रिमेनिंग इक्विटी शेयर है न्यू कंपनी का इशू टू द पब्लिक, तो भाई साहब यही रिमेनिंग बचा, ये पब्लिक को दे देंगे। यानी इसकी सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका परचेजिंग कंपनी और सेलर कंपनी का जो एमलगमेशन हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, समझे बात। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे ही रियलाइजेशन का नाम आ जाए तो समझ जाना सेलर का अकाउंट है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और इसके बाद एक बोला गया है अनन्या लिमिटेड, आज सीख लेंगे अनन्या लिमिटेड भी, बुक्स ऑफ आर्या लिमिटेड। जैसे ही इसने बोला इन द बुक्स ऑफ आर्या लिमिटेड, ठीक है, एंड जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अनन्या, अनन्या की भी बुक्स की जर्नल एंट्री करनी है, यानी बायर कंपनी की भी जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी, बायर कंपनी की भी करनी पड़ेगी। सर, और सर उन इक्विटी शेयर होगा या प्रेफरेंस शेयर, अभी सवाल करते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला पेज तो हमारा ऐसे ही निकल गया नॉर्मल। अब एक बार मैं फिर से इसको मिटा दूंगा ताकि साफ साफ हम जब दोबारा करें तो पढ़ लें। और मैं मान के चल रहा हूं हर एक बच्चे के पास 10 ईयर होना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पीछे रिफ्लेक्ट करूंगा तो वो हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर पीडीएफ दे दीजिए, तो इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा आपको, मार्केट में नियर बाय शॉप से आपको 10 ईयर हार्ड कॉपी ले लेंगे बेहतर रहेगा। तो कुछ कॉपीराइट्स होते हैं भाई, तो हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ठीक है। बाकी 10 ईयर के अंदर आपका सवाल है। मैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक अनन्या लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आर्या लिमिटेड बना लेते हैं। तो चलिए यहां पे कुछ हम सेलर की बुक की बात कर रहे हैं। ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट,
एक बना लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक बना लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सर पीसी अभी दोबारा करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, पीसी अभी दोबारा करेंगे रिपीट हो जाएगा, शायद आप लेट ज्वाइन हुए हो हंसिका, अभी रिपीट हो जाएगा पीसी। चलिए सर देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है सर, सबसे पहले आप यहां सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स लिख लीजिए, सबसे पहले क्या लिख लीजिए आप सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री एसेट्स सारे लेने होते हैं, लेकिन एसेट साइड में से कोई नेगेटिव एसेट्स और वैल्यूलेस एसेट्स उसको छोड़ देते हैं, और अगर कैश का बैलेंस उसने मना कर दिया एक्वायर करने से तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब सारे एसेट्स को अगर लिए जाएंगे तो हम देखते हैं हमारे पास एसेट्स क्या है, गुडविल है, फिक्स एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। अब यहाँ पे दो एसेट्स ऐसे आपको दिख रहे हैं जो एसेट्स आपका वैल्यूलेस एसेट्स का पार्ट है, तो इस एसेट्स को नहीं लिया जाएगा, समझे। तो गुडविल, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, तो हम यहां पे एसेट्स लेना चालू करते हैं। गुडविल आप सभी के पास 10 ईयर है बताइएगा, स्टॉक, गुडविल, स्टॉक, इसके बाद क्या है, फिक्स एसेट्स और डेटर, बैंक, अब अमाउंट भी बता दीजिएगा 75, 9,09,000, 38,00,000, 7,50,000, कितने, 7,00,000, 7,50,000, 21,000। ऐसे ही हम सारे के सारे लाइबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन शेयर होल्डर फंड को छोड़ के। तो सर लाइबिलिटी ले लेते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटी, सर सन्ड्री लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए, अगर सन्ड्री लाइबिलिटी की बात करें तो क्या क्या देखते हैं सर, यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया जाएगा, इक्विटी नहीं लिया जाएगा, डिबेंचर और एक्रूड इंटरेस्ट और क्रेडिटर, एक तो डिबेंचर लिया जाएगा, एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल लो चाहे एक्रूड इंटरेस्ट बोल लो, और एक क्रेडिटर। डिबेंचर कितने का है, 15,00,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,00,000, 1,35,00,000, 7 के साथ क्रेडिटर 15,00,000, बहुत ज्यादा है, बाद में टोटलिंग का प्रोसेस करते हैं।
अब इसके अंदर पीसी, एक बच्चे ने कहा सर हमें पीसी समझ में नहीं आया। पहली बात, ये पीसी का पार्ट ही नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बताया था जो क्वेश्चंस बोल रहा था, बायर की बुक्स में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो उसके लिए था, बाकी ये पीसी का पार्ट ही नहीं है, ये वाला पीसी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आप बार बार ना पूछें इसको, ठीक है? ये पीसी का पार्ट नहीं है सर। परचेज कंसिडरेशन के लिए हमें पॉइंट नंबर पता है कौन सा दिया गया था सर? पॉइंट नंबर दिया गया था हमें सी और पॉइंट नंबर डी। बोला गया जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं भाई तुम्हारी पुरानी कंपनी में, हर एक प्रेफरेंस शेयर उसको इक्विटी शेयर दे दो, लेकिन एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 इक्विटी दे दो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, सॉरी यहाँ पे 100 रुपये का दे रखा है, 7500 है, तो मैंने 7500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 इक्विटी दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो दिया जा रहा है वो इक्विटी हो गया, और 10 दे दिया तो ये हो गया, और 10 रुपये का एक है तो वैल्यू ये बन गई। इक्विटी शेयर होल्डर को बोला जाता है उसको भी 10 दो, लेकिन 3 के बदले, तो मैंने यहाँ डिवाइड 3 से कर दिया, मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो नंबर आ गया और फेस वैल्यू 10 का, तो ये टोटल आ गया, पीसी टोटल निकल गया 19,50,000। इस पीसी का इस्तेमाल होगा इस साइड में बाय अनन्या लिमिटेड था, क्या है अनन्या लिमिटेड 19 लाख। अब कई बार ना बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि पहले कौन सा अकाउंट बंद करना है, तो मैं अगर अकाउंट क्लोजर की बात करूं ना, तो सबसे पहले अकाउंट आप ये वाला क्लोज करना प्रेफरेंस शेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस कई बार रियलाइजेशन में चला जाता है। नंबर 2 पे आप ये क्लोज करोगे और नंबर 3 पे इक्विटी शेयर क्लोज होगा, ये रहता है हमारा सीक्वेंस क्लोज करने। तो चलिए सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लिख देते हैं, अगर मैं बाकी की चीजें लिखूं तो प्रेफरेंस शेयर को लिखते हैं तो बाय आ जाएगा हमारा, बाय कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर था क्यूमुलेटिव, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, और दैट इज था हमारा 7.5 लाख का। ऐसे बाय साइड में इक्विटी शेयर आ जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आप ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 36 लाख का, ये तो बड़ा कम मिला इसे, है ना, 36 लाख का। अब जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस अगर है तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, इस सवाल में है ही नहीं रिजर्व एंड सरप्लस, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं कुछ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और सरप्लस, तो यहां पे क्या ले लेंगे हम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और सरप्लस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितने हैं बताओ, 75 के, और सरप्लस कितने हैं, 18 लाख, इतना ज्यादा, चलो कोई नहीं, दे रखा है तो दे रखा है, बाकी थोड़ा सा लगता है। यानी बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी साइड भी पूरी तरीके से खाली और एसेट साइड भी पूरा खाली। प्रेफरेंस डिविडेंड को मना ही कर दिया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड को नहीं देंगे। आगे आ जाते हैं सर, अब हम प्रेफरेंस शेयर सभी को डिस्चार्ज करने के लिए जाएं, तो मैंने इसको क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को मैंने दिया इक्विटी। अब बताइए कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, ये देखिए पीसी में, ये वाला पार्ट किसको दिया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो दिया जा रहा है, और कितने दे दिए, 7.5 का, तो 7.5 7.5 बराबर हो गया, यहां से कुछ निकला नहीं, तो अब यहां से कुछ निकलेगा नहीं, अगर यहां से मेरा कुछ निकलता, निकलने का मतलब है अगर यहां से डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो उसको किससे मैच करते हैं हमेशा रियलाइजेशन, और उसको वहां ट्रांसफर कर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भैया इसने सारे एसेट टेक ओवर किए थे, नहीं किए थे, सारे एसेट्स तो लिख दिए, अगर ये बोलता है ये एसेट्स मैंने नहीं लिए थे तो उसको बेच देंगे, तो सवाल में देखते हैं लास्ट में कुछ कुछ कह रहा है ये लाइन इस तरीके से, कहता है कि कंपनी के सारे कंपनी न्यू कंपनी विल टेक द करंट एसेट्स देयर बुक वैल्यू, बोलता है करंट एसेट्स को बुक वैल्यू पे लेंगे, एक्सेप्ट स्टॉक को बोलता है रिड्यूस कर देंगे 45,000 से, तो बायर करेगा एंट्री, और रिमेनिंग इक्विटी शेयर टू बी कंपनी इशूड कर देंगे, तो मतलब ऐसा कोई भी एसेट्स नहीं है जो इस कंपनी ने छोड़ दिया हो कि भाई साहब हम नहीं लेंगे, तो बस इतना सा, और साथ के साथ यहां पे रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी है, जो किसने पे किया था, जो किसने पे किया था,
न्यू कंपनी, तो इसने तो पे नहीं किया, तो लास्ट क्लास में मैंने याद होगा रियलाइजेशन, जब न्यू कंपनी पे करेगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम दिखाएंगे नहीं। वो कौन दिखाएगा सर? वो बायर दिखाएगा और वो गुडविल के नाम से एंट्री करता है। चलिए अब यहां आ जाते हैं, टोटल अगर करें हम तो इसका टोटल क्या आता है? 7.5 लाख, सॉरी 75,000। देखिए क्रॉस वेरीफाई 56,10,000 आ रहा है, आप भी चेक करिएगा 56,10। ये आ गया 43,50। और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये वाला साइड ज्यादा आ रहा है 63 लाख, और ये आ गया 63 लाख। और इधर क्या भेज देंगे, कहां पैसा जाएगा? ये इक्विटी शेयर होल्डर में 690, चेक कर लीजिए आप कितने आ गए। टोटल गलत आ रहे हैं, सही है? ठीक है, इक्विटी शेयर में चला जाएगा ये, बाकी चेक करिए। तो चेक करिए ना, टोटलिंग फटाफट। ये टोटल गलत है, पंद्रह लाख 1,35,000, 31,35 आएगा ये टोटल। तो सर ये इधर का टोटल ही ज्यादा बनेगा फिर तो, 56,10,000। माइनस कर देंगे तो बाय इस साइड आएगा इसका, और ये जाके पहुंच जाएगा इक्विटी शेयर में टू साइड में रियलाइजेशन। अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या मिला था सर? सिर्फ इसको इक्विटी शेयर कैपिटल ही दिया गया था, और वो भी कितने लाख का? 12 लाख का। टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल आ गया, और ये हमेशा मैच हो जाए, समझे? ठीक है, ठीक कर दिया मैंने, कर दिया ठीक। पहले यहां तक बताइए कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलें। अभी बायर की वो बुक्स बनानी है हमें।
क्लियर सर? अब इसके अंदर एक अनन्या बैंक वाले को छोड़ के किसका बना लेते हैं, तो अगर इसका देखा जाए ना तो ये बायर के हिसाब से चलता है हमारा सर। या इसके ऊपर अभी रुको, पहले बायर की बुक बनाएंगे फिर ये दोनों क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, पहले बायर की बुक बना लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में इतना ही डिमांडेड था, हम दो एक्स्ट्रा बना रहे थे, तो एक बायर की बुक करने के बाद कर लेते हैं। अब बायर की बुक पे आ जाओ सर। बायर की बुक पे अगर हम आते हैं तो पहली एंट्री किसकी होती है, रजिस्टर निकाल लो और देख लो आप। पहली एंट्री होती है किसकी, बिजनेस परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, और हमारा कितने है यहां पे, 19,50,000। और सर ये सारे सवाल जो मैं करा रहा हूं एग्जाम में आए हुए हैं, और लास्ट ईयर वाले मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा, लास्ट ईयर वाला जो है ना कल कराऊंगा क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या करते हैं, सारे एसेट्स को टेक ओवर करना। सारे एसेट्स को जो टेक ओवर किया जाएगा किस वैल्यू पे किया जाएगा, मार्केट वैल्यू पे। यहां पे बायर मार्केट वैल्यू, जिसका नहीं दे रखा बुक वैल्यू। तो आप सवाल को ध्यान से देखें तो सवाल में क्या कहता है सर, सब कुछ बुक वैल्यू पे जा रहा है, सिर्फ एक स्टॉक है जो कि 45,000 से कम जाएगा। तो गुडविल, फिक्स एसेट्स, ये सारी चीजें ले लेते हैं। स्टॉक में बस कितना माइनस कर देंगे सर, 45,000 माइनस कर देंगे। तो चलिए आइए, तो क्या क्या लेंगे हम, गुडविल, स्टॉक, डेटर, बताते जाइए, फिक्स एसेट्स, बैंक, और क्या बताइए, बस यही है। अब टू में कर देंगे हम जो जो हमने लिया है, डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और क्रेडिटर, और टू डाल देंगे परचेज कंसीडरेशन, दैट इज पीसी। सर गुडविल कितने का था, सर स्टॉक को 45,000 कम करने को बोला गया, बताइए डिफरेंस क्या आएगा, स्टॉक 8 लाख, डेटर कितने का, 5 लाख, फिक्स एसेट्स, बैंक, डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्रेडिटर एंड पीसी। अब यहां से डिफरेंस का क्या करना है वो आप जानते हैं, इस डिफरेंस का क्या करना है आप जानते हैं, डिफरेंस निकालिए। यहां का डिफरेंस का क्या करना है आप जानते हैं, आप डिफरेंस निकालिए, या तो गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व। बताइए क्या निकल रहा है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, मेरे को तो क्रेडिट लग रहा है। देखो भाई साहब टोटल नहीं कर पा रहे आप, एग्जाम में कैसे करोगे। डेबिट में 55,65,000 बन रहा है, मैं रफली लिख देता हूं, इनका टोटल 55,65,000 बन रहा है।
और ये 50 85 बन रहा है। यानी सर यहां पे क्या निकलेगा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व एक ही कंपनी के अंदर दोनों चीजें कभी नहीं रह सकती, कैपिटल रिजर्व भी और गुडविल। बताया था गुडविल का मतलब आपने उस कंपनी को महंगा लिया हुआ है, और कैपिटल रिजर्व का मतलब उस कंपनी को सस्ता लिया, तो एक ही कंपनी में दोनों चीजें नहीं रह सकती। तो अब जब कैपिटल रिजर्व आ रहा है, गुडविल आ रहा है, तो हम एक एंट्री कर सकते हैं। वैसे ये भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में एक एंट्री मारना पड़ेगा आपको। हमें क्या करना है सर, इस गुडविल को अब हटा देना है, नहीं रहेगा। और इस गुडविल को हटाते ही हमारा यहां क्या आ जाएगा, नेट में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, नेट में, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा ना वो। तो सर 55-65 से गुडविल हट गया 75, तो अल्टीमेटली 54-90 बच गया। ये 54-90 समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस में 50-85, तो 4,05,000 कैपिटल रिजर्व। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब गुडविल भी आ जाए और कैपिटल रिजर्व। बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम वैसे ही छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां 75 भी रख सकते हैं, फिर आपको एक गुडविल की एंट्री को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल रिजर्व टू गुडविल करके, यानी गुडविल को खत्म करना पड़ेगा। बात वही आनी है नेट में, आपको अगर देखना है तो मैं करके बता देता हूं। मान लिया जाए यहां पे गुडविल होता और गुडविल 75 होता, तो बट ऑब्वियस है यहां पे कैपिटल रिजर्व 4,75,000 आता। यहां पे कैपिटल रिजर्व अगर ऊपर होता तो 4,75 आता हमारा, मैंने इसलिए वहां से डिजिट नहीं हटाया। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ एक कंपनी में नहीं रह सकते, तो इसको राइट ऑफ करेंगे। तो मैं एक एंट्री करता कैपिटल रिजर्व और टू कर देता गुडविल, जिसमें से मैं 75,000 कम कर देता और यहां भी 75,000 कम करता, तो अल्टीमेटली आप क्या देखोगे, हमारी कंपनी में कैपिटल रिजर्व 4-5 ही बचा। देखो क्योंकि 75 डेबिट कर दिया, यहां क्रेडिट था 75 से, यहां पे आपका क्या है 4,75 है, 4,75 अच्छा नहीं 4,80 आ रहा था ये, चलो 4,80 कर देते हैं, वो तो कैलकुलेशन का है, ठीक है ना। अब 75 इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचता, जो कि अब भी हमारा बच रहा, ठीक है ना, हमने नेट कर दिया इसको। तो दोनों में से कोई भी करिए, आपको अगर ये वाली एंट्री यहां पे एडजस्ट कर देंगे तो ये वाली एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये वाली एंट्री एडजस्ट नहीं करा, सीधा सीधा जैसे सीखा है वो कर देते हैं, तो एक एंट्री आपको गुडविल को राइट ऑफ करने की भी करनी पड़े, ठीक है। अगली एंट्री सर, अगली एंट्री क्या करेंगे, पीसी को डिस्चार्ज, तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट क्या क्या देंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही गया और तो कुछ दिया नहीं, तो दैट्स इट, यही एंट्री रहेगा। इनका बींग मैं नहीं लिख रहा क्योंकि बींग हम पहले सभी एंट्री का लिख चुके हैं, तो पहली क्लास जो बच्चे नए आए हैं इस क्लास के अंदर तो कुछ कोई फायदा नहीं है नए बच्चों के लिए ये क्लास, क्योंकि उनको पहले पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी वीडियो फोल्डर में अवेलेबल है। पुरानी क्लासेस पहले ही देखनी पड़ेगी जो कि वीडियो फोल्डर में अवेलेबल है, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ रही है? चलिए सर अगली एंट्री की बात करते हैं हम, तो स्टॉक हो गया, डिबेंचर हो गया, अब अगली एंट्री कौन सी करेंगे सर। इसमें ना एक बात बोली थी कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस ना हम पेड करेंगे, तो भाई अब बायर कंपनी किसी के खर्चे को क्यों पेड करेगा, क्योंकि उसके लिए वो एज अ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है क्योंकि गुडविल है। तो हम मान लेंगे, एक एंट्री करेंगे यहां पे सर, गुडविल टू क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट और टू बैंक करके हमने पेमेंट कर दिया सर। एंट्री को देखने के बाद नहीं पता चलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है, बींग में लिखना पड़ेगा, बींग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, समझे। अब इसके बाद अमाउंट आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत, करेक्ट। अब नाउ हम क्या करने वाले हैं आगे फर्दर,
हम जो है इसकी कंपनी का जो ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व, फिर बात तो वहीं फंस गई आके कि भैया इसके अंदर कैपिटल रिजर्व आप गुडविल भी ला रहे हो। अगेन इसको एक रिवर्स एंट्री मारना पड़ेगा हमें, कैपिटल रिजर्व टू गुडविल। दैट इज 60,000, दैट इज 60,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या रह गया। और इसने कहा सारे इक्विटी शेयर इशू कर दो और प्लस डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट किया है वो भी करेंगे। डिबेंचर होल्डर को जो इक्विटी शेयर दिया है हमने इंटरेस्ट वालों को, वो भी एंट्री करनी रहती है अभी। क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया नगद में, वो भी एंट्री रहना है, रह रहा है हमारा। तो पहले हम उठा लेते हैं डिबेंचर होल्डर को। मैंने बोला भैया पुराने वाले डिबेंचर आ जाओ, कितने परसेंट वाला था पुराने वाले डिबेंचर? 9% डिबेंचर था, तो मैं लिखूंगा 9% और 15 लाख रुपए का। सर 9% डिबेंचर 15 लाख रुपए का, और कहता क्या है कि ओल्ड कंपनी के डिबेंचर पेड सिमिलर नंबर ऑफ डिबेंचर इन द न्यू कंपनी, मतलब सर सेम ही दिया। और इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है, बोल रहा है इसका इंटरेस्ट भी खत्म करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो कितने का था 1.35, और इसको न्यू डिबेंचर सिमिलर दे दो। अब परसेंटेज नहीं दिया तो मैं मान के चल रहा हूं 9% वाला ही डिबेंचर दे दिया, दैट इज 15 लाख का। और इस इंटरेस्ट के बदले इसको क्या दे दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज मैंने लिख दिया यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने का? 1,35,000। यही इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको यहां पे करके दिखाया था, ये रहा 1,35, क्योंकि देखो 7,50 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, ये इंटरेस्ट का हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं इन सभी में से, तो पता लगेगा कि अभी भी मेरे पास इतने इक्विटी शेयर खजाने में पड़ा हुआ है। ये क्या है हमारा? एक स्टॉक कर रखा है हमने जिससे कंपनी को रजिस्टर कराया है। 4,50,000 हमारे पास इक्विटी शेयर था, जिसमें से मैंने कुछ कुछ करके धीरे धीरे इशू कर दिया है, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर को और साथ के साथ इंटरेस्ट वालों को, तो अभी भी इतने हमारे पास पड़े हुए हैं। इसी लाइन को लेके सवाल ने लास्ट में बोला है कि भैया अब जितना भी बैलेंस बचे उन सभी को फुल्ली पेड में क्या कर दो? इशू कर दो मार्केट में। अब दो काम रह गया, एक शेयर्स को इशू करना रह गया, एक क्रेडिटर का पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए? और एक इक्विटी शेयर को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम अब इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं, टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर थे? 2 लाख, 2,41,500, यानी 24,15,000, 24,15,000। अगली एंट्री हो जाएगा हमारा शेयर एप्लीकेशन, कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो सिंपल सी बात है इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख। अब जाके हमारा ये कंप्लीट हुआ। इस सवाल के अंदर इन दोनों का जो है, एक बुक्स का बायर का, इसको रहने देते हैं, अगले सवाल में ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसे हटा ही देता हूं क्योंकि यहां पे बैंक वाले का ना सिचुएशन बन नहीं रहा, नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि क्रेडिटर वेटर को भी पेमेंट किया है, और नेगेटिव क्या हमारा बैंक का बैलेंस बीडी और कोई पेमेंट भी नहीं है। चलो वो देख लेंगे कब बोला जाता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वहां पे बनाए, अभी देख लेते हैं यहां तक कोई दिक्कत। तो हमने एक सवाल ये होमवर्क में दिया था या नहीं दिया था? तो मैंने अभी करा दिया, बताइए कोई डाउट? कोई डाउट? और ये क्वेश्चन हमारे 2014 के एग्जाम में पूछा गया है।